शिक्षा निदेशक द्वारा 11 मई को जारी सेटअप परिवर्तन एवं 14 मई का महाअधिवक्ता द्वारा दर्ज की परिस्थितियों के बीच आक्रोशित शिक्षकों की बैठक, टीम नूतन शिक्षक संगठन अध्यक्ष नूतनपुरी गोस्वामी की अध्यक्षता में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय संख्या 1 में आयोजित हुई। बैठक में सरकार के इस निर्णय की निंदा करते हुए इसका विरोध किया गया, साथ ही तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादले करने पर चर्चा की गई। शिक्षा निदेशक द्वारा 11 मई को जारी सेटअप परिवर्तन एवं 14 मई को महाधिवक्ता द्वारा दर्ज कैवियट की परिस्थितियों के बीच आक्रोशित शिक्षकों की बैठक बुधवार को टीम नूतन शिक्षक संगठन अध्यक्ष नूतनपुरी गोस्वामी की अध्यक्षता में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय संख्या 1 मालगोदाम रोड में आयोजित हुई। बैठक के साथ आयोजित शिक्षक आक्रोश सभा को संबोधित करते हुए अध्यक्ष नूतनपुरी गोस्वामी ने विगत 4.5 साल से तबादलों की राह देख रहे तृतीय श्रेणी शिक्षकों के चुनावी वर्ष में तबादला प्रतिबंध लागू रखने एवं सेटअप परिवर्तन जरिए राज्य के 3.75 लाख तृतीय श्रेणी शिक्षकों को उद्वेलित करने का मूल कारण गहलोत पायलट की नूरा कुश्ती बताया। अध्यक्ष गोस्वामी ने चुनावी वर्ष में राज्य विधानसभा चुनाव 2023 से 6 माह पूर्व 27,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों के सेटअप परिवर्तन पर सीधा हमला करते हुए इसे शिक्षकों का नहीं वरन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सिंहासन का वास्तविक सेटअप करने की गहलोत विरोधियों की षड्यंत्र बताया। गोस्वामी ने राजस्थान सरकार एवं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से तत्काल सेटअप परिवर्तन आदेश प्रत्याहारित करने एवं 4.5 साल से चल रहे अघोषित प्रतिबंध को हटाकर ग्रीष्म अवकाश में जरूरतमंद मजबूर आवश्यकताधारी एवं दिव्यांग एकल पीड़ित महिला पुरुष तृतीय श्रेणी शिक्षकों का तबादला करने की मांग की। महामंत्री गनी खान हालेपोत्रा ने बताया कि अध्यक्ष निर्देश पर संगठन कार्यकर्ता नारायण सिंह भाटी ने बुधवार सुबह 9 बजे बीकानेर स्थित पवनपुरी नागनेचिया मंदिर के पास शिक्षा मंत्री आवास पहुंच शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से मुलाकात कर टीम नूतन का 2 सूत्री मांग पत्र सौंपा, जिसका अध्ययन कर शिक्षा मंत्री कल्ला ने संगठन प्रतिनिधि भाटी एवं संगठन को शिक्षक हित में सकारात्मक कार्यवाही का भरोसा दिया। साथ ही अध्यक्ष एवं महामंत्री द्वारा संयुक्त रूप से बयान जारी कर सेटअप आदेश प्रत्याहारित होने एवं तृतीय श्रेणी शिक्षक तबादलों से प्रतिबंध हटने तक राज्य भर के शिक्षकों से अलर्ट रहने और संगठन आंदोलन घोषणा पर मैदान में उतरने का आह्वान किया। लोग ये आशा कर रहे थे कि 4.5 साल से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नहीं हुए तो उन पर बैन हटेगा और हमारे तबादले होंगे, लेकिन अचानक 11 मई को एक आदेश जारी हुआ जिसमें किया गया सेटअप परिवर्तन की प्रक्रिया होगी, वो भी राजस्थान के कानून के विरुद्ध। मतलब प्रक्रिया ये कहती है कि पहली बात तो अब ये सेटअप करने की नौबत है नहीं, 2021 का कानून कह रहा है, और दूसरी अगर प्रक्रिया करे तो सहमति से की जाए, लेकिन जो आदेश की भाषा है या उसके बाद में 14 मई को इस संदर्भ में जो कैवियट लगाई गई है उसमें स्पष्ट दर्शाया जा रहा है सहमति की बजाय ये जो शिक्षा निदेशक या शिक्षा विभाग राजस्थान हमारे को हिटलर शाही से तानाशाही से चोर जबरदस्ती या टिंगा टोली करके ठिकाने लगाना चाहता है। हमारा मूल विरोध ये है, हमारी सरकार से मांग है कि जो सेटअप परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए, और 4.5 साल से हमारे कई माताएं बहने, हमारे कई दिव्यांग साथी, हमारे कई पुरुष साथी जिनके वृद्ध माँ बाप चार पाइयों पर है, अभी समय है शरण बनने का, या जिनकी बेटियां बड़ी हो गई है उनकी शादी करने का वक्त आ चुका है, या जिनकी लड़के बड़े हैं वो उनकी देखरेख में करियर निर्माण करें, तो 4.5 साल से जो ये अघोषित तबादला प्रतिबंध लगा रखा है तृतीय श्रेणी शिक्षक के पदों ट्रांसफरों पर वो बैन हटाया जाए, और ये जो हिटलर शाही वाली जो है ये प्रक्रिया इसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए। बैठक में टीम नूतन मातृ शक्ति सेना कार्यकर्ता कल्प तरुनाथ साहेबा चौधरी सहित भभूत सिंह सोढ़ा, भरत सिंह महेचा, चूनपुरी रमाशंकर व्यास, देवी सिंह भाटी, सुमेर सिंह राठौड़, मुकेश बोहरा, तेजनाथ, राजेश सारण, मिश्री सिंह फोगेरा, सुखपुरी प्रेम प्रताप सिंह, नारायण सिंह, योगेंद्र सिंह, पीयूष खत्री, मोहित बाना, तुलसीदास जाटोल, दिनेश भारती, सवाई सोनी, रामरतन, मुल्तान सिंह भाटी उपस्थित रहे। साथ ही सेटअप परिवर्तन आदेश एवं तृतीय श्रेणी तबादला प्रतिबंध हटाने के संबंध में आक्रोश सभा में अपने विचार रखे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संगठन पदाधिकारी, कार्यकर्ता, आस्थावान सदस्य एवं प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अभिभावक उपस्थित रहे।